गोटेगांव में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव बढ़ गया है। 3 दिन पहले गुजरात के भरूच से गोटेगांव के ग्राम नगवारा आए हुए व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। प्रशासन द्वारा तत्काल गांव की नाकाबंदी कर दी गई। अब ना तो कोई गांव में प्रवेश कर पाएगा और न ही बाहर जा पाएगा। इसी बीच प्रशासन द्वारा दूसरे दिन ग्राम के 36 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें कल बुधवार को 3 महिलाओं के सैंपल पॉजिटिव मिले। तीनों महिलाएं गुजरात के भरूच से लौटे कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार की हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा सजगता के साथ निगरानी की जा रही है। ग्राम को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। इसी बीच गाँव के लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि सभी सुरक्षात्मक नियमों का पालन करें। हमारे यहाँ एक पॉजिटिव केस एडमिट हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी नॉर्मल है। अभी उनको फीवर वगैरह नहीं है, उनकी सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की गई हैं। कूलर लगा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था एवं टीवी कर दी गई है और उनकी ज़रूरत का सामान सारा यहीं पे व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी वजह से इंफेक्टेड ना हो पाए और हम लोग उनकी यहाँ पे अच्छी से देखभाल कर रहे हैं। क्या कोरोना पॉजिटिव केसों की देखभाल के लिए अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं हैं? इस अस्पताल में जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट जो कि सिम्टमलेस है उसको हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर, और जो भी जिसको अगर उसको यहाँ पे सिम्टम ज़्यादा दिखेंगे तो हम उनको तुरंत ही मेडिकल अस्पताल दे सकते हैं। मैम, पता चला है एक मरीज ग्राम नगवारा में पॉजिटिव मिला। ये होम क्वारंटाइन था, संस्थागत क्वारंटाइन था, ये कहाँ से आया था, कब आया था और क्या व्यवस्थाएँ आपने की? होम क्वारंटाइन किया गया था। अब जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो तुरंत